एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दौर में जी आलू किसको नहीं पसंद होते। आलू ले लिए हैं मैंने 3 से 4, आप लोगों के सामने ही है, इसी साइज़ के ले लें। उसके बाद मैंने जी चिकन को जो है मोटी मोटी बोटियों में काट के इसमें मैंने चिकन और आलू दोनों मिक्स कर दिए हैं। पानी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, नमक डाल दूँगी, साथ में लाल मिर्च चली जाएगी, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा जो है गर्म मसाला पाउडर, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, साथ में जीरा और जो है अजवाइन डाल के इसे अच्छा सा मिक्स दे दूँगी ताकि ये जो है अच्छे से सारा मिक्स हो जाए और फिर जो है इसे स्टोव पर रख देंगे। ये जी हमने आग झड़का दी है, साथ साथ जो है काम चल रहा है। आज संडे का दिन है तो हम लोगों ने आउटिंग के लिए भी जाना है, तो बस जी इसे मैंने जो है वो बॉईल कर लिया है इतना कि इसका सारा पानी सूख जाए, चिकन वगैरह सब कुछ अच्छे से गल जाए। तो साथ साथ क्लीनिंग वगैरह भी डन करवा दी है, ठंडा कर लिया है मैंने इसे पकने के बाद अच्छे से। देख लें आप लोग, इसका सारा पानी ड्राई हो गया हुआ है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसे एक जो है खुली डिश में निकाल लेंगे। उसके बाद इसे मैशर की हेल्प से मैश कर लूँगी मैं। मैशर नहीं है तो हाथों से भी कर सकते हैं क्योंकि आगे जाके मैंने वही काम करना है। अच्छा जी, जितने भी मोटे मोटे आलू थे और चिकन था उसे मैंने मैशर से मैश कर दिया था। अब टाइम था जी इसको हाथों से अच्छे से जो है आपने बना लेना है एक इसका अच्छा सा वो थिक सा जो है गोला सा। उसको बनाने के बाद एक इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दें और फिर आगे देखें हम क्या करेंगे। मैं चैनल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे घरों में जो है ना शामी को अक्सर हाथों में जो है ना ऐसे मटोल मटोल के बनाया जाता है, उसको गोल शेप दी जाती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान सा टोटका शेयर करूंगी जिससे आपकी शामी भी गोल मटोल बनेगी और जो है बनेगी भी क्विकली, एक साथ जल्दी जल्दी सारी बन जाएंगी। तो चलें जी फटाफट से रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले तो आपने इस तरह से हमेशा सारा सेट कर लेना है, आपको जितनी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आपने रखनी है। उसके बाद मेजरमेंट स्पून ले लेनी है आपने। अगर मेजरमेंट स्पून नहीं है तो घर में कोई भी शार्प जो है ना आपके पास ढक्कन होना, क्योंकि ढक्कन अवेलेबल होते हैं अक्सर घरों में, तो वो ले लेना आपने। उसके बाद आपने सिंपली इसको इसके ऊपर रख के प्रेस करना है, जोर से लॉन्ग प्रेस कीजिए। इसके साथ ही हमारी मज़ेदार सी शामी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। और जो है इसी तरह आप 1-2-3 बनाते जाएं और रखते जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर दें। डन, रेसिपी सब कुछ सीख ली है। तो यहाँ पे जो है मैं अपना लंच कर रही थी, लंच में उफ ये शामी इतने मज़े के बनते हैं ना। साथ में मैंने बनाए थे जीरा राइस और वो भी इतने टेस्टी बने थे। मैंने यहाँ पर अपना लंच फिनिश किया और फटाफट से भी मैंने बच्चों को रेडी किया क्योंकि ये था जी वीकेंड का व्लॉग जिसमें हम लोग संडे को जो है वो आउटिंग के लिए लाजमी मैंने बच्चों को लेके जाना था। उससे पहले नहीं जाते कहीं पर भी, पूरा वीक जो है ये लोग घर पे होते हैं। तो फिर एंड पे जो होता है ना, मुझे होता है कि मैं कहीं ना कहीं ले जाऊं। अगर आप सिंगल पेरेंट है ना, या तो आप अम्मा हैं या तो आप अब्बा हैं, तो आप लोग संडे को 2 बच्चे लेके तो कभी मत जाइए। मेरे साथ ये हुआ, इतना ज़्यादा रश था, इतना कि मत पूछें। और ऊपर मॉल पूरा खचा खच भरा हुआ था। ये जी बच्चों का फुल लुक है से माशाल्लाह। प्लीज़ प्लीज़ हादी भाई और कायनात को अक्सर नज़र लग जाती है तो आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। उसके बाद जी बस अब हम लोग चलते चलते अंदर जा रहे हैं। इसके बाद मैंने इन लोगों को सबसे पहले खाना खिलाया क्योंकि इन लोगों ने कुछ नहीं खाया था। फटाफट से इन लोगों अपने ऑर्डर जो है वो बता दिए हैं, कायनात फुल कॉपी करते हुए। करने के बाद ये अपनी मस्तियाँ शस्तियाँ करने के लिए शुरू हो गई हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इशू हो गया था, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट किसी व्लॉग में आप लोग के साथ स्टोरी शेयर करेंगे। बच्चा पार्टी में आ गई थी, ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट आई गेस अभी तक का जो है ना वो स्टोर है। अगर आप लोग को इससे बड़े किसी स्टोर का पता है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनके पास क्या नहीं है, गारमेंट्स, शूज़, एक्सेसरीज और बैग्स, इतना कुछ टॉयज इवन इनके पास थे। तो बस उसके बाद बच्चों को जॉयलैंड में इंजॉय करवाया। फिर प्लेटर जेक्शन से मैंने अपने लिए जो है एक प्लेटर बनवाया था, आज़ादी प्लेटर आई गेस, ये कुछ समथिंग 1000 के अराउंड आ गया था। और ये इसका टेस्ट इतना मज़ेदार था कि ना पूछें। ये थे जी मेरा वीकेंड का रीसेट रूटीन जिसमें मैंने बच्चों को बाहर घुमाना फिराना भी था और अपने लिए भी जो थोड़ा सा टाइम निकालना था वो निकाला। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हादी भाई के लिए दुआ कीजिए क्योंकि वापस आने के बाद हादी भाई के साथ बहुत ही बुरा जो है ना एक हादसा हुआ है। इंशाल्लाह वो आने वाले अगले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।